चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुराह विधानसभा क्षेत्र की शलीलवाड़ी पंचायत में आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी सड़क सुविधा नहीं मिल पाने से पंचायत के लोग परेशान हैं। बता दें कि शलीलवाड़ी पंचायत के आधा दर्जन के करीब गांव सड़क सुविधा से महरूम हैं। चुनावों के दौरान नेता लोग इन गांव तक सड़क पहुंचाने का वायदा तो करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही नेताओं की तरह उनके वायदे भी गायब हो जाते हैं। सड़क न होने से इन गांव के लोगों को रोजमर्रा का सामान पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है, जिसके चलते इन्हें खासी परेशानियां होती हैं। और जब कभी कोई बीमार होता है तो मरीज को भी अपनी पीठ पर उठाकर ही अस्पताल तक पहुंचाना होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क सुविधा न होने से वे काफी परेशान हैं। पंचायत के कई गाँव है जहाँ तक सड़क सुविधा नहीं पहुँची है और सरकार और प्रशासन उनकी सुनवाई तक नहीं करते। और यहाँ पर सड़क की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमने काफ़ी समय से प्रशासन से ये मांग की है कि हमें सड़क दी जाए, पर 4-5 साल से हमें कोई सड़क की सुविधा नहीं मिली है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर हमें रोड की इतनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोई भी घर में मरीज वगैरह होते हैं उनको मतलब चारपाई पे उठा के रोड पे पहुंचाया जाता है। कई बार हमारे मरीजों ने रास्ते में ही रोड ना होने के कारण अपना दम तोड़ दिया है। और विभाग से हमारे यही प्रार्थना है कि हमारी सड़क का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए। अली से जड़ोग मकोला बदेठी सड़क की बहुत भारी दिक्कत है, हमें इसकी जरूरी किया है। हमने बहुत बार हमारे मरीज जो हैं बहुत रास्ते से गुजरे हैं, इससे कई बार बीमार हो चुके हैं। हमने खेचरों घोड़ों पर उठाकर यहाँ रोड पर पहुँचाया है। हमने प्रशासन और शासन को कई बार सूचित किया अपनी रोड के लिए, जो रोड है मेन रोड सिलेला से गाँव बदेठी मकोला दरिया चुड़ोगर पचोगा के लिए हमारी डिमांड थी, जिसको हमने कई बार प्रशासन को सूचित किया, लेकिन प्रशासन ने हमें आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं बताया। आज दिन तक वो रोड हमें नहीं मिली, जिस रोड की वजह से हमें कई ऐसी असुविधाएँ हैं जिनकी वजह से हमें अपने मरीजों को पालकी अथवा घोड़ों के सहारे रोड तक उठाना पड़ता है। कई मरतबा बारिश की वजह से रास्ते भी ये बंद हो जाते हैं और हमारे मरीजों 3 या 4 मरीजों के हमारे आधे रास्ते में दम भी खो चुके हैं। ऐसे मरीज भी कई यहाँ से गुजरे हैं जिनके आधे रास्ते में दम तोड़ दिए हैं। आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद आज भी प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क सुविधा नहीं पहुंच पाई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान दे। पंजाब के सर टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।